व्यक्तिगत संबंध है उसको तरजीह देते हैं, और जो उन्होंने कहा वो सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों के बारे में था। राजद के भी बहुत नेता हैं जिनके बीजेपी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, सबका है। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने बारे में बात की थी, नीतीश जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने अपनी राजनीति लगभग एक साथ शुरू की थी और इनकी दोस्ती को पूरा बिहार जानता है, और ये दोनों हर बात के लिए आपस में बैठकर समझने के सुलझाने के लिए काबिल हैं, और इनको किसी के दूसरे के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन साथ है और पांच राज्यों में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं जितने सर्वे आ रहे हैं उस सब सर्वे में इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर शुरू है। एक ओर जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारी अच्छी दोस्ती है और मरते दम तक साथ रहेंगे, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि इस तरह का बयान वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो पीएम उम्मीदवार बन सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी, क्या कहेंगे जी? वो कह रहे हैं कि पीएम उम्मीदवार बनने के लिए सीएम नीतीश कुमार इस तरह का बयान दे रहे हैं बार बार। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति में शुचिता के परिचालक हैं, और जो व्यक्तिगत संबंध है उसको तरजीह देते हैं, और जो उन्होंने कहा वो सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों के बारे में था। और मुझे लगता है कि आज के दौर में जो राजनीति है जिसमें मतभेद मनभेद बन जाता है वो अच्छा नहीं है, देश के और लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इस तरह की बात होनी चाहिए कि भले ही हम विपक्ष में हों, भले ही एक दूसरे के खिलाफ हम राजनीति करते हो, लेकिन जहां व्यक्तिगत संबंध हो वहां एक दूसरे का सम्मान करें। राजद का भी बीजेपी से अच्छे संबंध है क्या? नहीं, राजद के भी बहुत नेता हैं जिनके बीजेपी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, सबका है। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने बारे में बात की थी, वैसे ही बहुत जो नेता लोग होते हैं वो हर स्तर पर व्यक्तिगत, आप जैसे कभी देखते होंगे शादी ब्याह मरनी हरनी में किसी भी जगह जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं तो सब दलों के लोग पहुंचते हैं, और इसीलिए पहुंचते हैं ना, क्योंकि वो व्यक्तिगत जो संबंध है वो राजनीतिक संबंधों से कहीं ऊपर है। बीजेपी ये भी कह रही है, आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है सीएम नीतीश कुमार पर बार बार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक पोस्टर भी आपके द्वारा जारी किया गया है कि तरपता बिहार तेजस्वी के लिए। देखिए माननीय नीतीश जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने अपनी राजनीति लगभग एक साथ शुरू की थी और इनकी दोस्ती को पूरा बिहार जानता है, और ये दोनों हर बात के लिए आपस में बैठकर समझने के सुलझाने के लिए काबिल है, और इनको किसी के दूसरे के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को बच्चा कह रहे हैं, तो इस पर बीजेपी जो है कह रही है कि अब तो उत्तराधिकारी भी वो घोषित कर चुके हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा, अब सीएम नीतीश कुमार कहने वाले कौन होते हैं? देखिए उत्तराधिकार की बात तब होती है जिस समय चुनाव आता है, और चुनाव में जब चेहरा किसी को बनाया जाता है। अभी तो हमारे सामने 2024 की लड़ाई है जो इस देश के जनतंत्र के लिए, इस देश के गणतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, सभी दलों की पूरी कोशिश यही है कि एक व्यवस्था परिवर्तन किया जाए, एक समतामूलक समाज का निर्माण हो, और जो हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं वो उनको मजबूत किया जाए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, पांच राज्यों में जो है चुनाव है, तो क्या इंडिया गठबंधन मिलकर के पांच राज्यों में चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए इंडिया गठबंधन साथ है और पांच राज्यों में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं जितने सर्वे आ रहे हैं उस सब सर्वे में इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। जी जरूर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, जिन्होंने कहा है कि पांच राज्यों में चुनाव है, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रही है, और सर्वे में भी पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।